टुडे वी स्टार्ट वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज़ हमने पहले पार्ट वन किया था सेंट्रीफ्यूज का उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूज और प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज क्लियर किया है दैन पार्ट सेकंड में हम वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज और केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूज करेंगे सो लेट स्टार्ट वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज रिमूव आल द कप्स और बकेट फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूज़ एंड चेक फॉर रबर क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूज़ के अंदर कप्स और बकेट्स होते हैं फॉर होल्डिंग द टेस्ट ट्यूब्स जिसमें हम टेस्ट ट्यूब को रख के मशीन को स्पिन करते हैं उनको रिमूव करेंगे उनके बॉटम में रबर क्वेश्चन होते हैं फॉर स्पॉटिंग द ट्यूब ताकि हमारे ट्यूब में कोई ब्रेकेज ना आ जाए वो टूट ना जाए सो so, हम उसको चेक करेंगे वो प्रॉपर प्लेस पर हैं दैन Insert the tubes to be centrifuged in the buckets. Make sure that these tubes are balanced in opposite bucket and it must be of equal weight. Then hum rubber cushion ko check kar liya ab insert kar denge tube, place kar denge buckets ke andar और ये sure करना है कि जब हम tube को centrifuse कर रहे हैं तो उसके opposite tube में balanced tube हो, जो centrifuse करने के लिए tube use हो रही है, एक तो sample की होगी, एक balance की होगी, balance और sample की tube का जो weight है, बहुत equal होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमारी सैंपल वाली ट्यूब टूट जाएगी ब्रेक हो जाएगी देन क्लोज द लिड स्विच ऑन द पावर लिड जो उसका सेंट्रीफ्यूज का ऊपर वाला लिड uh, क्लोज करने के लिए होता है उसको हम क्लोज कर देंगे स्विच ऑन कर देंगे पावर की एंड इंक्रीज़ द स्पीड स्लोली अप टू द रिक्वायर्ड आर पी एम उसकी स्लोली स्लोली स्पीड इंक्रीज करेंगे एकदम एकदम से नहीं करेंगे नहीं तो ट्यूब टूट जाएगी आफ्टर सेंटिफिजेशन इज़ अवर डिक्रीज द स्पीड स्लोली एंड वैन द स्पीड इज ज़ीरो स्विच ऑफ द पावर फिर हमने उसकी अब उसको ऑफ करना है मतलब हमारी सेंटिफिजेशन की प्रोसेसिंग कम्प्लीट हो चुकी है देन अब हमने उसकी जो स्पीड है वो स्लोली स्लोली डे डिक्रीज़ करेंगे एकदम से नहीं करेंगे जब उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगी तब हम स्विच ऑफ कर देंगे पावर की द नेक्स्ट इज टेक ऑफ द लिड लिड को रिमूव करेंगे टेक ऑफ करेंगे एंड रिमूव द क्लियर अपर पार्ट इज़ द सीरम प्लाज्मा और सुपर एटेंट सोल्यूशन एंड इज रेडी फॉर यूज़ इन केमिकल एस्टिमेशन देन हमने जो सैंपल वाली ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया सीरम था तो विदाउट एंटीकोंगोलेंट होगा तो सीरम होगा विद एंटीकोंगोलेंट होता प्लाज्मा प्लाज्मा होगा उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट सोल्यूशन जो क्लियर अपर पार्ट था उसको हमने रिमूव कर लिया अब वो जो सैंपल है उसको हमने केमिकल एस्टिमेशन के लिए नेक्स्ट उसकी टेस्टिंग करने के लिए उसको यूज़ कर लिया द नेक्स्ट इज The RPM should be checked by using the external device such as a mechanical for electronic tachometer. Electronic tachometer ke sath के साथ हम centrifuge की rpm ko की kar sakte hain को चेक कर सकते हैं Timer यूज़ स्टॉप वॉच और इलेक्ट्रॉनिक टाइमर फॉर कंपेयरिंग विद द टाइमर ऑफ मशीन हम स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक टाइमर यूज़ कर सकते हैं ताजो हम उसको कम्पेयर भी कर सकते हैं टाइमर ऑफ का मशीन जो सेंट्री का खुद का टाइमर होता है उसके साथ कंपेरिजन भी कर सकते हैं कि वो सही चल रहा है तो जितना टाइम हमने उसको रोटेट करना है हम उसका टाइमर भी सेट कर सकते हैं द नेक्स्ट इज टेम्परेचर मस्ट चेक द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज मशीन विद द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर जो रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसको सेंटीग्रेड थर्मामीटर के साथ भी हम उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं द नेक्स्ट इज द सेंट्रीफ्यूज मशीन दिस इज लिड लिड जो क्लोज जब हम सेंट्रीफ्यूज को रोटेट करते हैं तो हमें लिड क्लोज करके ही हमेशा रोटेट करना चाहिए क्योंकि इसमें कितने इन्फेक्शिय सैंपल रोटेट होते हैं ताकि हमें कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए हमें उस लिड को क्लोज करके रोटेट करना चाहिए नेक्स्ट रोटेटर जो रोटेट होता है ये देखो इसमें ये बकट्स और कप्स uh, बने हुए हैं जो होल्ड करते हैं ट्यूब्स को एल डिस्प्ले बटन पावर टाइम की एडजस्टमेंट होती है स्टार स्टॉप बटन स्पीड की एडजस्टमेंट देन ओपन जिसे लिड ओपन हो जाती है सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सेंट्रीफ्यूज द नेक्स्ट इज केयर एंड मेंटेनेंस प्लेस द सेंट्रीफ्यूज ऑन अम फर्म बेस एंड चेक द रबर क्वेश्चन प्रॉपर फर्म बेस्ड होना चाहिए उसके रबर क्वेश्चन को चेक करना है दुड ट्यूब शुड बी बैलेंस्ड प्रॉपरली एंड इक्वल वेट इन द ऑपोजिट ट्यूब जो बैलेंस करने के लिए ट्यूब यूज करनी है प्रॉपरली सैम्पल के साथ उसकी ट्यूब इक्वली वेट होना चाहिए इट शुड नॉट बी रन नीयर अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वो किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के पास रन नहीं करना चाहिए सेंट्रीफ्यूज को द नेक्स्ट इज डोंट रन द मशीन इफ़ द कप्स ट्यूब्स और बकट्स आर मिसिंग फ्रॉम द चैम्बर ऑफ द मशीन अगर उस मशीन में सेंट्रीफ्यूज में कप्स ट्यूब्स बकट्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको रन नहीं करना चाहिए द चैम्बर शुड ऑलवेज बी कैप्ड क्लीन चैम्बर ऑलवेज क्लीन होना चाहिए मेक श्योर दैट द लिड ऑफ द मशीन इज ऑलवेज कैप्ड क्लोज उसकी जो लिड है प्रॉपरली क्लोज होनी चाहिए नेवर ओपन द लिड अंटिल द रोटेटर हैज कम टू अ अम्प्लीट स्टॉप लिड को ओपन नहीं करना जब तक प्रॉपर सेंटर का रोटेटर है प्रॉपर कंप्लीटली स्टॉप नहीं हो जाता द नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द वाइब्रेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन इट मे वाइब्रेट इफ़ द ट्यूब जार नॉट बैलेंस प्रॉपर्ली एंड ट्यूब्स गेट ब्रोकन अगर हम ट्यूब प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स करना स्टार्ट कर देगा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा जिससे जो ट्यूब्स हैं उनकी ब्रोकन होने का उनके टूटने का हो जाता है कि वो टूट जाती है अगर प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं होगी कवर द मशीन विद प्लास्टिक कवर वेन नॉट इन यूज जब हम मशीन को यूज़ नहीं करें तो उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा हो ताकि उसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह ना पड़े सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज दैन केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूज पार्ट थ्री वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वॉटर्स और टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज़ करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर